कोरोना के मामलों को लेकर प्रदेश में स्थिति बिगड़ रही है। बीते कल सबसे ज्यादा 12 मौत कोरोना से हुई है। 27,000 के करीब लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। कई लोग तो टेस्ट भी नहीं करवा रहे हैं। अस्पतालों में रोगियों को रखने की जगह तक नहीं बची है। कोविड सेंटर भी भर गए हैं। सरकार अतिरिक्त कोविड सेंटर नहीं बना रही है और अपने ही फैसले 4 दिन में पलट रही है। स्कूलों को खोलने के फैसले पर कांग्रेस ने पहले भी सवाल खड़े किए थे और अब एक बार फिर से सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता में लगाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि सरकार ने बिना इंतजामों के स्कूल खोले, परिणाम स्वरूप शिक्षक व छात्र पॉजिटिव आने लगे, तब जाकर अब स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। सरकार इस तरह पहले कुछ फैसले लेती है, बाद में पलट जाती है। SOP का कहीं पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोदी सरकार के फरमानों को बिना सोचे समझे लागू कर रही है। हिमाचल सरकार बिना तथ्य व परिस्थितियों को जाने केंद्र की नीतियों को आंखें बंद करके लागू कर रही है। सर्दियों का मौसम है, ऐसे में प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का अंदेशा है, इसलिए सरकार अधिक से अधिक कोविड केयर सेंटर स्थापित करे। सरकार ने प्रदेश की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, जनमंच शुरू कर दिया है। जहां कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, महंगाई चरम पर है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मुखर है। वह 12 नवम्बर को सभी जिलों में प्रदर्शन करने जा रही है। कि जितने अस्पताल हैं वो पूरे फुल हो चुके हैं, देर इज नो कैपेसिटी एट ऑल। जितने कोविड सेंटर है वो 100% फुल हो चुके हैं। अब तो कॉरिडोर पे भी आपको मरीज देखने को मिल रहे हैं और कई जगह पे एक बिस्तरे में दो दो मरीज लिटाए जा रहे हैं। सितंबर के महीने में मंत्री परिषद मंत्रिमंडल ने अनाउंसमेंट किया था कि 5 नए कोविड सेंटर जो है 4 हफ्ते के अंदर अंदर बनाए जाएंगे, लेकिन अभी मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई कोविड सेंटर बना नहीं। कि आज जो स्थिति पैदा हुई है प्रदेश में, यह सरकार की नलायकी का प्रतीक है। और अभी सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद घोषणा की कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं। अब जब स्कूल खोलने का इन्होंने फैसला लिया, हमने उस वक्त भी कहा था आप लोगों के माध्यम से कि आप अगर स्कूल खोल रहे हैं तो क्या आपके पास सुरक्षा के इंतजाम है? और जब आपने बगैर किसी इंतजाम के स्कूल खोले, भारी संख्या में जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, छात्र हैं, वो संक्रमित हुए और सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। ये सरकार मशहूर है, फैसले करती है बगैर सोचे समझे, फैसले करती है और जब प्रतिक्रिया होती है या इनके फैसले गलत साबित होते हैं, फैसले वापस लेते हैं। इट इज रोल बैक गवर्नमेंट। क्योंकि जब आप फैसले लेते हो, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।